तलाक के मूड में है, पवन सिंह तलाक हो भी सकता है। मैं तो तीन महीने पहले ही आपसे, जब मुझे एक वीडियो आया था तो मैं तो उस समय से मतलब बता रही थी कि जरूर कुछ दाल में काला है, देखिएगा। और अगर अगर अभी भी पवन सिंह जी से मैं यही कहूंगी कि आप एक स्टेटस डाल दीजिए कि मेरी पत्नी लाखों में एक है, बस और कुछ नहीं, मेरी पत्नी ने मुझे बहुत साथ दिया, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपका रिश्ता सही है। ब्रॉडकास्ट में वो बता तो दिए हैं कि ना भी और हाँ भी, इसका मतलब क्या है? ये क्या क्या है भाई, पति पत्नी लवर है क्या, प्यार मोहब्बत है कि भाई तुरंत टूट गया, अक्षरा वाला मैटर है जो प्यार कर लिए छोड़ दिए। ये पत्नी है, यहाँ सात फेरा आपने लिया है, सात फेरों में बांध के उसको लाया है, तो भाई वो जबरदस्ती आपके घर नहीं आई थी, आप उसको सात फेरों में बांध के लाए हैं, तो उसका मान सम्मान भी आपको ही करना है। समझदार को इशारा काफी होता है, एक पत्नी है वो आपकी, पत्नी की शादी 10 बार नहीं होती है, हर पत्नी चाहती है कि हमारा संसार भरे, हमारा पति का मान भरे, सम्मान भरे, और ज्योति ने अपने पति का बहुत साथ दिया, आपने देखा ही होगा। लेकिन ज्योति जब ये देखी होगी, पवन सिंह की बातें सुनी होगी, तो कैसा दिल पे लगा होगा उनको, एक समय था कि कितना खुश नजर आ रहा है। अच्छा, आपकी भी पत्नी है ना, क्या आप अपनी पत्नी की तारीफ नहीं करते हैं? क्या आप चाहेंगे कि आपकी पत्नी दूसरे से शादी कर ले? तभी करें, तभी आप चाहेंगे जब आपका किसी के साथ अफेयर होगा, है ना? तो मेरा यही कहना है कि कोई पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी तीसरा चौथा के तरफ देखे, तो वो पत्नी है भाई आपकी, आपका आपके रग रग से वाकिफ है, और उसको तकलीफ होती है तो उसकी तकलीफ को समझिए, उसको प्यार कीजिए, उसको उसको अपने जिस तरीके से हाथ पकड़ा था आपने, देखा होगा कि सब जगह हाथ पकड़ 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 ज्योति सिंह को ले जा रहे थे, सिंदूर डाल रहे थे, तो ऐसी चीजें तब दिखी जब आप चुनाव में प्रचार प्रसार में थे। इसका मतलब क्या भी कर लीजिए ना, इसका क्या मतलब है चुनाव प्रचार में? अपने चुनाव प्रचार में ही आप लोगों ने देखा होगा, चुनाव से पहले ही देखा होगा। इसका मतलब क्या है, क्या आप न जान रहे हैं, आपको भी मतलब पता ही, दर्शक जानेंगे, दर्शक बता देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं दर्शकों से कहूंगी कि बेटी है, और अगर आप ज्योति सिंह को चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, तो एक बार आवाज जरूर उठाइए उस बच्ची के लिए, उस लड़की के लिए, चूंकि वो हम एक पत्रकार हैं, हम आवाज उठा ही रहे हैं, अभी भी हम चाहेंगे कि उसको न्याय ही मिले। वो कोई नहीं चाहता कि उसका पति उसको छोड़ के चला जाए, उसका पति अगर एक कहावत है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति देवता है, तो भाई आप देवता बने हुए हैं ज्योति के लिए, तो देवता कभी पत्नी के साथ अन्याय नहीं होते देखता है, तो उसको अंधेरे से निकाल करके अपने पास रखिए, और घर में रखिए तो लगेगा। बहुत लोग कहते हैं कि आरा में क्यों नहीं रहती हो, तो आरा में तो कोई रहता ही नहीं है, सब तो लखनऊ में रहते हैं। एक अकेली लड़की, शादीशुदा महिला, वो अकेले रह के आरा में क्या करेगी? सबसे बड़ी बात है पति का साथ होता है, जहां पति होता है वो, आप उसको जंगल झाड़ में भी रखिए, पति अगर उसके साथ है तो वो जंगल झाड़ में रहेगी। चुनाव में देखा ही होगा, जहां जहां वो जाती थी पति के साथ, पति और पत्नी, पूजा पाठ, तो ये चीजें आपने जब इतना किया है, दोबारा आपने रिश्ता बनाया है, तो ये बोल के थोड़ी ना बनाया था कि तीन महीने में हम पहले सोचेंगे करेंगे, ऐसा कुछ था? आपने कहा कि नहीं आज से हमारा और इसका रिश्ता अब जन्मों जन्मों का है, तो अब जन्मों जन्मों का रिश्ता आप निभाइए। अच्छा, निभाना पड़ेगा, क्यों नहीं निभाएंगे आप? समाज आपको देखता है, आज आप अगर गलत करेंगे तो कल यही समाज आप पर ही, आपसे ही सवाल करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल, लेकिन कितना दिन साथ में रहे होंगे, जब इलेक्शन खत्म हो गया तो वहीं से लेके चले गए? नहीं नहीं, इलेक्शन खत्म हो गया तो वो लखनऊ में थी, करीब करीब 2-3 महीने तक अपने लखनऊ वाले घर में ही थे, खाना बनाना, कपड़ा खींचना, अपने पति का देखभाल करना सब करती थी। लेकिन आपने क्या किया, आप तो वो आप जानेंगे, आपका दिल जानता है, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कुछ कहूंगी।
दर्शक बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किसका गलती है, क्या होना चाहिए हमारी बातचीत अच्छा, के बारे में। सिर्फ औरतों का होता है? नहीं, गजब वाला बात बोलते हैं आप। जनता एक औरत, अब आपको ज्योति गलत नजर आती नहीं, है? ज्योति को मैं बताइए कि क्या ज्योति सिंह गलत है? नहीं, ज्योति सिंह गलत हम कहाँ बोले हैं? अगर गलत है तो साबित कर दीजिए कि वो लड़की गलत है। गलत कभी नहीं बोला है ज्योति सिंह को, हम कहाँ बोले? दर्शक पे हम छोड़ते हैं, दर्शक हमारे भगवान है। पास में भी तो बेटी है, वो भी किस जब वो जाते हैं किसी की शादी कराने के लिए, अपनी बेटी की शादी कराने के लिए, तो वो पूरा घर देखते हैं। कभी ना कभी उनसे भी चूक हो जाती है, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि हमारी बेटी का घर टूटे, घर जुड़े। और एक बाप यही चाहता है कि हम अपनी बेटी को के मांग में सिंदूर देखे, ना कि तीन चार मरद का सिंदूर देखे। कोई चाहेगा कि भाई हमारी बेटी का, अच्छा ये शादी टूटा तो दूसरा शादी? लड़का चार शादी जरूर कर लेता और अपने आप को कहता है कि भाई हमारा, हमको तो चार लड़की पूछ रहा है। लेकिन अगर यही लड़की एक शादी टूटती है तो उसका जिंदगी नरक बन जाता है। और ये समाज को, हमारा समाज इतना जागरूक तो है कि एक बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। आप लोग हमारी बातचीत और हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा एक सवाल छूट रहा है, जन सुराज से ज्योति सिंह को बताया जा रहा है टिकट मिलने वाला? नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है। अभी तो चल रहा है मीडिया में, कई गो खबर चल रहा है, पवन सिंह से भी अप्रोच किया जा रहा है, कई गो फोटो। नहीं नहीं, वो मिलने गई थी, औपचारिक मुलाकात है, किसी से प्रभावित होकर के लोग चले जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में? मैं बता दूं आपको जाते जाते कि ज्योति जो है उसका वो सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि लेती है, और ज्योति सिंह अगर भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक रहा तो ज्योति सिंह की इच्छा है कि वो नीतीश कुमार जी, जो नीतीश कुमार जी को वो आइडियल मानती है और प्रधानमंत्री जी के को आइडियल मानती है, तो उनका एक ही मकसद है कि अगर हमको अगर मौका मिले समाज सेवा करने का, तो हमको लगता है कि वो काराकाट से चुनाव जरूर लड़ेगी, चाहे वो निर्दलीय लड़े, चाहे वो बीजेपी और जदयू कोई भी उसको टिकट दे दे, वो लड़ लेगी। तो पवन सिंह फिर कहाँ जाएंगे? पवन सिंह पत्नी है वो, पवन सिंह तो उसका साथ देंगे ना। पत्नी का, पति का साथ जब पत्नी दे सकती है तो पति का भी फर्ज होता है अपनी पत्नी को उस जगह तक पहुंचा देना, ताकि वो समाज को सुधार सके, समाज में हो रहे अपराधों पर नियंत्रण कर सके। और वो काम ज्योति सिंह बखूबी कर सकती है। पवन सिंह नहीं लड़ेंगे फिर? अब पवन सिंह जाने, पति पत्नी में से कोई पत्नी को, वो तो सुपर स्टार है ना, वो अगर वो सुपर स्टार है, अगर वो जहाँ है वो, अगर वो बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा, उनकी तो पहचान ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन पत्नी है वो क्या करेंगी? अगर वो समाज सेवा में जुड़ेंगी तो जिस तरीके का उनका नेचर है, तो आप समझ जाइए कि वो सामाजिक कल्याण किस तरीके से करेगी, बेटियों को किस तरीके से सहारा देगी, क्योंकि टूटा हुआ दिल ही जानता है टूटे हुए दिल की बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए भाई, कौन कौन काराकाट से देख रहा है तो बताइएगा कि ज्योति सिंह को क्या टिकट अगली बार मिलना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए कि पवन सिंह को लड़ना चाहिए, अपना राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।